पैन करिएगा उस तरफ। आरती सर आज आप मेरी मदद कर दें। अभी नहीं आ रही मैं, प्लीज समझो ना, मैं कुछ देख रही हूँ, बहुत दिनों से सीन चल रहा है, मैं अभी नहीं छोड़ सकती, आप कर लो अभी। मैडम किराएदार जी, वो अगर आप कुछ काम नहीं करती तो अपने मकान वाले की मदद ही कर दीजिए। वो रोशनी के बदले का बैनर आप बदली ना करें। पहली बात ये वो बैनर करके आप मुझे चुनिए। नाम है मेरा श्रद्धा, तो उसी नाम से बुलाया कीजिए। और दूसरी बात, आपको मुझसे मदद चाहिए तो प्लीज कॉल करेगा। हाँ तो मेरी मदद करने आई है मेरा काम बढ़ाने, पर ध्यान कहाँ है? आइए सबके पास चलाऊं। अभी नेवी खुला लेते देखो, हमारी कितनी अच्छी है, साथ में काम कर रहे हैं, तो प्लीज जल्दी थोड़ा सा काम हो जाएगा। अभी सिंस अभय का झुकाव डॉक्टर रोशनी की तरफ आ गया है और अचानक सभी को पता चलता है कि डॉक्टर रोशनी का बर्थडे है, तो उसमें ऐसा होता है कि डॉक्टर रोशनी कहती है कि मैं अपना बर्थडे किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि उस बर्थडे के दिन एक हादसा हुआ था, तो इस वजह से उस दिन की खुशी वो किसी के साथ नहीं, मतलब उस दिन की जो तकलीफ़ें हैं, जो भी इंसिडेंट हुआ वो हमेशा उसको उस दिन याद दिलाता है, तो इस वजह से वो अपना बर्थडे किसी को बताती नहीं है और ना ही सेलिब्रेट करती है। तो अभय को थोड़ा सा वो जो भी उसने बताया है उसको वो सुन के बहुत मायूस हो जाता है, एंड देन ही इज़ वेरी हैप्पी कि चलो इसको मैं ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन दूँगा कि वो कभी नहीं भूलेगी, एंड यू नो शी विल रिमेंबर इट, और जितनी भी उसकी पुरानी यादें हैं उसको वो भूल के एक नई शुरुआत करेगी, एंड फ्रॉम हैंसफॉर्थ शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभय की तरफ से श्रद्धा को पता है कि रोशनी अट्रैक्ट हो गई है, तो अभय रोशनी की तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो अपने सौतेले के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन। हाँ ये बात है, लेकिन एक पल को ये भी है कि जब भी रोशनी की सिर्फ दवाइयाँ और जो भी ट्रीटमेंट है वो इतनी असर कर रही है कि अभय को अब थोड़ी थोड़ी धुंधली फ्लैशेस आनी शुरू हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा को होप है कि पहले तो कुछ भी याद नहीं था, अब हल्के हल्के उसको धुंधली फ्लैशेस आने शुरू हो गई हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर डॉक्टर रोशनी पे ज़्यादा मैं क्वेश्चन करूँ या ज़्यादा उंगली उठाऊँ तो वो भी अगर अभय की लाइफ से चली जाएगी तो जो होप है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से श्रद्धा थोड़ी बहुत ये जो अपनी उदासी है और जो भी उसके मन में चल रहा है उसको साइड रख के कि अभय खुश है, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, फिर उसको याद आ जाएगा तो एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल। तो इस वजह से श्रद्धा भी सपोर्ट कर रही है अभय को।